नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन। यहां पे कोई स्टोरी नहीं है, आपको केवल पैराग्राफ के ट्रांसलेशन करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि स्टोरीज में आप सभी को पता है ज़्यादातर आपको पास्ट टेंस का सेंटेंसेस मिलते हैं। इस आज के जो पैराग्राफ में दो पैराग्राफ लिख रहा है, यहां पे आपको प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, तो फिर अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि केवल पास्ट में प्रैक्टिस करते आएंगे तो प्रेजेंट फ्यूचर का प्रैक्टिस आपका नहीं हो पाएगा, तो सब जरूरी है। तो आज के जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन में हम प्रेजेंट टेंस का बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंसेस हैं उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें भी सीखने वाले हैं, प्रोनंसिएशन उच्चारण कैसे करना है इन वर्ड्स का वो भी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करो, सबसे पहला पैराग्राफ देखते हैं। कनक इज मोर नॉटी देन अजय। कनक नाम है लड़की का, इस जन है मोर यानी ज्यादा अधिक, नॉटी नॉटी यानी कहता शरारती, ठीक है। देन ये देन है, देन नहीं है, टी एच ई एन देन यानी फिर या तब ऐसे होता है, ये देन है। देन का यूज कब करते हैं, जब किसी दो लोगों में कंपेयर करते हैं ना, अरे इससे ज्यादा शरारती वो है, इससे ज्यादा लंबा वो है, इससे ज्यादा मोटा वो है, कंपेयर करते देन का यूज करते हैं अजय। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कनक इज मोर नॉटी देन अजय, यानी कि अजय से भी ज्यादा कनक शरारती है, यानी कनक अजय से भी ज्यादा शरारती है, ऐसे यहां पे सेंटेंस है। ही प्लेस ऑल डे अलोन, कनक इस यहां पे ही प्लेस ही, तो यहां पे शायद ये लड़के का नाम है क्योंकि ही लिखा हुआ है ना, तो लड़का होगा, ठीक है। ही प्लेस ऑल डे लॉन्ग, वह प्लेस खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, दिन भर खेलता रहता है। ऑल डे अलोंग ऑल डे अलोंग होता है दिन भर खेलना, उसे ऑल डे लॉन्ग बोलते हैं, दिन भर खेलता रहता है। प्लेस एस या ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही हैज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन स्टडीज। ही हैज यानी उसे है, कुछ चीज है किसी के पास, हम हैज का यूज करते हैं। एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल भी, नो यानी नहीं, इंटरेस्ट यानी रुचि, इन यानी में स्टडीज यानी पढ़ाई में, यानी कि पढ़ने लिखने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। देयरफॉर इसलिए हिज पेरेंट्स आर ऑलवेज एंग्री विथ हिम। उसके पेरेंट्स यानी होते हैं पालक माता पिता, ठीक, आर यानी है ऑलवेज, ऑलवेज क्या होते हैं हमेशा, एंग्री यानी गुस्सा, विथ हिम यानी उससे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए उसके माता पिता उस पर हमेशा नाराज रहते हैं। He is not even afraid of his teachers. He, वह, is यानी है, not, नहीं, even यानी यहाँ तक कि, भी, afraid यानी होता है भय भी, डरना, of यानी से, his teacher, अपने शिक्षकों से, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको अपने शिक्षकों का भी डर नहीं है, यानी शिक्षक टीचर से भी डरता नहीं है वो बिल्कुल भी। He says, वह कहता है, S-A-S, present indefinite tense, वह कहता है, अब यहीं पे मैं कहता हूँ तो I say होता, I says, S-A-S नहीं लगता, क्योंकि आई हर बार बताता हूँ, आई यू वी दे के साथ नहीं लगता है, ही सीट नेम के साथ लगता है। वह कहता है द वर्स्ट दे कैन डू इज टू टर्न मी आउट ऑफ स्कूल। द वर्स्ट यानी होता है सबसे बुरा, दे कैन डू वे कर सकते हैं, कैन यानी सकना, डू यानी करना, दे यानी वे, सबसे बुरा वो कर सकते हैं, इज यानी है, टू टर्न मी आउट, टर्न आउट करने यानी होता है स्कूल से निकाल देना, ऑफ स्कूल यानी सबसे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे विद्यालय से निकाल देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे, ऐसे बोलता वो। आई केयर अ फिक फॉर दैट, है ना, आई केयर अ फिक फॉर दैट, इसका मतलब क्या होता है, केयर अ फिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको हिंदी में कैसे बोलना चाहिए हमें, कि परवाह नहीं है, है ना, उसे, उसका मतलब होता है हमें कुछ भी परवाह नहीं, उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, फॉर दैट यानी उसके लिए। स्टिल हिज फादर बिलीव्स, स्टिल यानी फिर भी, अभी तक, हिज फादर उसके पिताजी, बिलीव्स भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे एस सी एच लगा हुआ है ना, बिलीव्स, तो क्योंकि अदर सेंटेंस है, अदर वर्ड है, तो वहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, वहाँ पर भी आपको एस सी एच लगाना है, ठीक है। फिर भी उसके पिताजी का विश्वास करते हैं, पिताजी विश्वास करते हैं दैट कि ही वुड बी रिफॉर्म, ही वुड बी यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधर जाना, कि वह सुधर जाएगा। मे गॉड सी टू इट दैट इट इज सो, है ना, मे गॉड ईश्वर करे ऐसा ही हो, इसका मतलब क्या है, भगवान, है ना, सी टू इट यानी भगवान करे ऐसा ही हो, इसका पूरा सेंटेंस का ये मतलब निकलता है यहाँ पे।
तो ये पहला जो आपका पैराग्राफ था यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन हुआ, आपने देखा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, एक दो जगह आपको पास्ट में फ्यूचर टेंस का भी यूज़, वुड बी का यूज़ हम कब करते हैं, कुछ हो जाएगा कुछ हम विश्वास, तो वहाँ पर हम वुड बी का यूज़ करते हैं, ये वाला हो गया है ना। अब उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंड जो पैराग्राफ है इससे अलग है, ये अलग ही पैराग्राफ है, तो इसमें हम किस प्रकार का कौन कौन सेंटेंस देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, ये भी प्रेजेंट टेंस में स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आर यानी हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ऐसा लगा हुआ है, केवल स्टूडेंट होता तो इज होता है, स्टूडेंट इज ऐसे विद्यार्थी हैं। द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी होती है ताकत, विद्यार्थी क्या है, ताकत है। ऑफ यानी कि अवर यानी हमारी, कंट्री यानी देश, यानी हमारे देश की ताकत कौन है, विद्यार्थी हमारी देश की ताकत है। द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, द फ्यूचर यानी होता है भविष्य, ऑफ यानी का, अवर कंट्री यानी हमारे हमारे देश का भविष्य, डिपेंड्स अपॉन देम, डिपेंड्स यहां पर भी ऐसे ही है, निर्भर करता है, ती है, डिपेंड यानी किसी पर निर्भर करना, तो निर्भर करता है, अपॉन यानी ऊपर, देम तो उनके ऊपर निर्भर करता है, हमारा देश के, हमारे देश की, देश का भविष्य। द मेन ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स इज टू स्टडी, द मेन, ये मेन यानी क्या होता है, मुख्य ड्यूटी यानी कर्तव्य, सबसे मुख्य कर्तव्य है ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की, इज यानी है, टू स्टडी यानी कि विद्यार्थियों का मुख्य कर्तव्य पढ़ना लिखना है, सीधी सी बात, अध्ययन करना है। दे शुड रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी, दे शुड, शुड यानी किसी को कुछ चीज़ करना चाहिए, तो हम शुड का यूज़ करते हैं, एडवाइस देते हैं, उन्हें क्या रहना चाहिए, रिमेन बने रहना चाहिए, हेल्दी, हेल्दी यानी होता है स्वस्थ, एंड हैप्पी यानी कि प्रसन्न, स्टेइंग यानी होता है रहना, तो उन्हें सॉरी यहाँ तक ये रिमेन यानी रहना, ये स्टेइंग का आगे आ गया, स्टेइंग अवे फ्रॉम, पैराग्राफ चेंज हो गया, थोड़ा एडिट करने प्रॉब्लम होगी, तो नीचे आ गया मेरे से, ठीक है, ये आगे सेंटेंस है, तो उन्हें स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, स्टेइंग अवे यानी होता है दूर रहना, फ्रॉम यानी से, पॉलिटिक्स यानी राजनीति से अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इस गुड फॉर देम, दूर रहना उनके लिए अच्छा है, गुड फॉर देम यानी उनके लिए अच्छा है, राजनीति से दूर रहना उनके लिए अच्छा है। सम पीपल मिसयूज, कुछ लोग, मिसयूज का मतलब क्या होता है, गलत फायदा उठाते हैं, देम यानी उनका, टू सर्व देयर ओन एंड, टू सर्व देयर ओन एंड, इसका मतलब क्या होता है, अपने मतलब के लिए उन्हें गुमराह करना, इसका मतलब क्या होता है, अपने मतलब के लिए उन्हें गुमराह करना। सच पीपल आर एनिमीज, कुछ लोग, आर्यन है एनिमीज यानी शत्रु है, दुश्मन है, ऑफ सोसाइटी यानी समाज के, एंड द नेशन और राष्ट्र के, कुछ लोग राष्ट्र समाज के दुश्मन है। स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी ऑन द अलर्ट अगेंस्ट देम, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों शुड रहना चाहिए, ऑलवेज हमेशा बी यानी होना चाहिए, ऑन यानी पर द अलर्ट, ऑन द अलर्ट यानी होता है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए, अगेंस्ट यानी विरुद्ध में, देम यानी उनके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग समाज एवं राष्ट्र के शत्रु हैं, विद्यार्थियों को इनसे सदा सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों के, बस यहाँ पे कोई ऐसे आपको मोरल नहीं मिलेगी, कोई यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरीज नहीं है, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस पैराग्राफ लाने का मतलब यही है कि मैंने जैसे कहा स्टोरी में आपको ज़्यादातर पास्ट टेंस की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो वो तो हम लाते ही रहते हैं, बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ भी लेकर आऊँगा जहाँ पे वर्ड के नए नए मीनिंग भी आपको पता चलेगा, क्योंकि पास्ट टेंस में क्या होता है, जो वर्ब के पास्ट फॉर्म होते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पर आपको वो ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म का ज़्यादातर यूज़ मिल रहा है और प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन हो रहा है, तो फिर ऐसी फ्यूचर टेंस का भी कुछ कुछ सेंटेंसेस लाऊंगा, तो हर प्रकार से आपकी प्रैक्टिस करानी है ताकि आप अच्छे से रीडिंग कर सको, ट्रांसलेशन कर सको, वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन कर सको और उसकी मीनिंग जान सको। तो भी ये थी आज की छोटी सी क्लास, यदि कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।